तो फ्रेंड्स क्रोम ऐप को यहां पे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जस्ट अभी आपको यहां पे सर्च करना होगा यू प्रो मॉल, ये एक वेबसाइट है। इसके थ्रू आप अपना जो बैलेंस है उसको निकाल पाएंगे। 101% ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं और आपको यहां से सभी ऑल ब्रांड अवेलेबल हैं और साथ ही साथ आपको यहां पे हाई क्वालिटी ब्रांड्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके थ्रू हम अपना जो बैलेंस है उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहां पे यदि आपको जो भी अमाउंट बैलेंस निकालना है उतने का आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा स्टेप बाय स्टेप, समझिएगा। जैसे मैंने पहले ही आपको वार्निंग दिया था, अब जस्ट मैं यहां पे अभी 1999 का एक प्रोडक्ट मैंने ऐड कर लिया है। इसको यदि आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो हम यहां पे जस्ट ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है ये शॉपिंग वेबसाइट है, इसके थ्रू अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। ये जो ट्रिक है इस ट्रिक को लगाएंगे। इसमें सिस्टम यह है कि यदि आप यहां से शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं या अपना रिफंड लेना चाहते हैं तो कंपनी रिफंड आपके अकाउंट में करती है। तो इसके लिए जस्ट आपको यहां पे ये यूपीआईडी मांगते हैं। क्या अपना यूपीआईडी यहां लिखा हुआ है इंटर यूपीआईडी फॉर रिफंड रिलेटेड, तो हम इसी को यूज करते हुए अपना जो बैलेंस निकालेंगे। यहां पे साफ-साफ लिखा हुआ है नोट 8% चार्ज फॉर रिफंड प्रोसेस। यदि आपको रिफंड प्रोसेस करने हैं या रिफंड प्रोसेस करने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 8% चार्ज देना होगा। इनका व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, काफी अच्छा, वहां से भी कर सकते हैं। कितने दिन लगेंगे इसके लिए हम आपको आगे वीडियो में समझाएंगे। तो जस्ट अभी आपको यहां पे एंटर करना होगा। और यहां पे एक बात मैं आपको मेंशन कर दूं कि यहां पे 8% जरूर दिखा रहा है, लेकिन मैंने जब यहां से रिफंड प्रोसेस किया था तो 12% लगता है। मतलब जितनी बार भी मैं यहां पे रिफंड प्रोसेस करता हूं उतनी बार ये 12% काटते हैं। तो मान के चलिए आप 1999 के यदि आप यहां से ट्रांजैक्शन करेंगे तो टोटल आपका 12% कटेगा, ठीक है। 8% इनका यहां पे चार्जेस रिफंड प्रोसेस का और साथ ही साथ जो 4% चार्जेस लेते हैं ये 4% चार्जेस लेते हैं, ठीक है। आपका ये इनका अदर चार्जेस होते हैं वो 4% लेते हैं। टोटल मिला इनका 8-12% चार्ज करते हैं। इसलिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। यहां पे अपनी यूपीआई डाल दीजिएगा रिफंड रिलेटेड और यूपीआई डालने के बाद जस्ट चेकआउट करिएगा। मैं यहां पे अपनी यूपीआई में यहां पे डाल देता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पेटीएम यूपीआई डाल दिया है। डालने का जस्ट यहाँ पे आपको चेकआउट वाले सेक्शन में क्लिक करना होगा, यहाँ पे एड्रेस डाल देना होगा। तो एड्रेस आप यहाँ पे डालने का कंटिन्यू वाले सेक्शन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जस्ट आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। अपने बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से आप एक दिन में सिर्फ 3000 के अंदर का ही ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और पर डे आप सिर्फ 3000 का अंदर ही प्रोडक्ट बाय करेंगे। और इसमें स्पैम मत करिएगा, कंपनी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप यहाँ प्रोडक्ट बाय करने के लिए आ रहे बल्कि अपना प्रोडक्ट का जो बैलेंस है उसको रिफंड कराने के लिए आ रहे। तो ध्यान रखिएगा एक हफ्ते में एक ही ट्रांजेक्शन करिएगा, चार मतलब एक महीने में चार ट्रांजेक्शन करिएगा, मतलब एक महीने में चार बार आप ऑर्डर प्लेस करिएगा और रिफंड करिएगा। रिफंड का जो टाइम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, यहाँ ऑनलाइन वाले पेमेंट वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं पे नाउ वाले सेक्शन में क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स पेन वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करना जस्ट अभी आपको यहाँ पे जस्ट नीचे आना होगा। आने का जस्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेगा वॉलेट का, इस वॉलेट वाले आपको सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। फिर मैं आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इजीली अपना जो बैलेंस है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएं, ठीक है। सबसे नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे स्पैम नहीं करना है। कंपनी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप यहाँ से स्पैम करना है, मतलब कि आप यहाँ पे शॉपिंग करने नहीं आए बल्कि आप यहाँ पे अपना बैलेंस ट्रांसफर करना है। ये कैसे नहीं पता चलेगा? तो ये स्टेप्स नहीं पता चलेगा अगर आप पर डे ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करेंगे और रिफंड प्रोसेस जाते रहेंगे तो कंपनी को पता चल जाएगा। हाँ, ये कि आप एक महीने में एक बार यहाँ मतलब एक हफ्ते में एक बार आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करिए, मतलब कोई ऑर्डर बाय किया और बाय करने के बाद ऑर्डर आप छोड़ दीजिए। जब आपका ऑर्डर डिलीवर दिखाएगा वहाँ पर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर आगे घर तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ऑर्डर आपके घर तक नहीं पहुंचेगा, घर से पहुंचने से पहले आप वहाँ पर रिफंड का प्रोसेस डाल दीजिए। मतलब जैसे डिस्पैच हो, डिस्पैच होने के बाद आपको दिया डिस्पैच हो गया एक्सेप्ट होगा तो रिफंड प्रोसेस, रिफंड का प्रोसेस डालेंगे। तो डालने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर दिखाएगा जरूर। वहाँ पर जैसे आप रिफंड को प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर डिलीवर दिखाता है। मतलब प्रोडक्ट अभी जब रिफंड प्रोसेस आता है, रिफंड आता है आपके अकाउंट में, तो वहाँ पर लिखता है ऑर्डर नंबर साथ ही साथ लिखता है आपका जो बैलेंस वो इस ऑर्डर के भी आपके ऊपर रिफंड किया जाएगा आपके अकाउंट में जो यूपीआई देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। और अब मैं आपको कहूँगा कि भाई आप एक ही बार पहले ट्रांजेक्शन करके देखिए, जब आपका रिफंड आ जाए तब आप दोबारा इसमें ट्रांजेक्शन करिए। तो फर्स्ट टाइम ये आप कर सकते हैं, लेकिन 100% मैं श्योर हूं कि आपको जो बैलेंस वो रिफंड किया जाएगा और 100% ट्रस्टेड कंपनी है, ठीक है। तो 3000 के अंदर का ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा वन टाइम के लिए, फिर सेकंड टाइम। और एक बात और बता दूं कि एक साथ सभी लोग जाकर ट्रांजेक्शन मत करने लगेगा कि जितने भी लोग हैं वो सभी लोग एक साथ पहुंचे, नहीं। अगर मैंने आज की वीडियो अपलोड किया है तो आप लोग अप्लाई करिएगा और अप्लाई करने के बाद रिफंड का प्रोसेस ऑर्डर आज आपने किया तो रिफंड का प्रोसेस आप कल शाम को ही आप वहां पे मेंशन करिएगा कि मुझे रिफंड चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आज ऑर्डर किया और आज आप जाते वहां पे रिक्वेस्ट डाल दें, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो कुछ मेन पॉइंट है जो मैं आपको कवर कर रहा हूं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आप रिफंड का जो प्रोसेस डालेंगे तो आपको बार बार उनको मैसेज करने बोलना कि मेरा बैलेंस रिफंड करिए, ठीक है। रिफंड आप वो अपने हिसाब से प्रोसेस कर देते हैं, कम से कम समय में कर देते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा ज्यादा आप उनको मैसेज करेंगे तो उनको ये लगेगा कि आप लगता है कि आप सिर्फ रिफंड के लिए आए हैं, ठीक है। तो आप उनको कर दीजिए जेन्युइन कंपनी, अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ रिफंड आ जाता है, ठीक है। अब जस्ट मैं अभी आपको आगे बताऊंगा आपका रिफंड कितने दिन में आता है। तो जस्ट अभी आप वॉलेट वाले सेक्शन में क्लिक करना है, क्लिक करना जस्ट अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन, यहाँ पे अमेजन पे ऑप्शन शो रहा है। इस वाले सेक्शन में आप क्लिक करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेटीएम है या बजाज पे, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, एयरटेल पेमेंट बैंक, ओटो ओला, यहाँ पे जियो, पेपाल, यहाँ पे बहुत से आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ आप शॉपिंग करते वक्त आप इन सब पेमेंट का पेज का यूज करके पेमेंट वाले यूज करके आप बैलेंस ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आसान सा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। तो यदि आप इसमें अब आपको मांग के चलिए अमेजन पे आपको सेक्शन क्लिक करना है, क्लिक करके आपको ट्रांजेक्शन करना है। तो अमेजन वाले पे वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करना जस्ट अमेजन पे का जो अकाउंट है उसको आप लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने अमेजन पे का जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने यहाँ पे मेरे जो अमेजन पे का जो वॉलेट है बैलेंस है वो अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने अभी वॉलेट में कोई बैलेंस नहीं रखा है, ठीक है। तो अगर आपकी वॉलेट बैलेंस होगा तो आप वो डायरेक्टली आपके यहाँ से अमेजन पे से कट जाएगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इस टाइप आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। और अगर आप अपना गिफ्ट कार्ड का बैलेंस निकालना चाहते हैं जो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। यदि कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, आने के बाद वहाँ पे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे और डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर डायरेक्ट करके अपना जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग को समझ में आ गया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आपको इसी तरीके से आपको अच्छे कंटेंट के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, एक हफ्ते में एक ही बार हमारे कंटेंट अच्छे आएंगे, बाकी आपको रेगुलर कंटेंट तो मिलते रहेंगे बट अच्छे कंटेंट।